बात करेंगे इंदौर की, जहां पर खड़ी ट्रेन की बोगी में युवती का शव मिला है। दो बैग में तीन हिस्सों में कटा हुआ यह शव मिला। रेलवे स्टेशन के यार्ड में खड़ी ट्रेन में यह शव मिला। बता दें एफएसएल और जीआरपी की टीम मौके पर मौजूद है और पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और आगे की जांच शुरू कर दी गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है आपको, एक बार फिर से बता दें इंदौर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर एक युवती का शव मिला है। तो बता दें कटे हुए हिस्सों में यह शव मिला। जानकारी मिलने के बाद एफएसएल और जीआरपी की टीम मौके पर पहुंची हुई है और अब पहचानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ये शव किसका है। जांच पड़ताल इस पूरे मामले की जाएगी। तो पुलिस ने इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया है, मामला दर्ज कर लिया गया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। तो इंदौर से इस वक्त की बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा रहे हैं। एक बार फिर से बताते चले कि इंदौर में खड़ी ट्रेन में, जी हाँ, खड़ी ट्रेन की बोगी में एक युवती का शव मिला है और दो बैग में बताया जा रहा है कि तीन हिस्सों में कटा हुआ इस युवती का शव मिला। तो देखिए रेलवे स्टेशन की यार्ड में बताया जा रहा है कि ये ट्रेन खड़ी हुई थी और उसी दौरान ये शव मिला है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी समीर हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। समीर, बड़ी खबर, पुलिस की बात की जाए तो जांच कहां तक पहुंची, क्या युवती की पहचान कर ली गई है? जी देखिए, बिल्कुल इस पूरे ही मामले में हम ये कहें कि लगातार जिस तरह से इंदौर में हत्या के मामले सामने आ रहे हैं, उसमें एक और मामला ये जुड़ गया है, क्योंकि इंदौर का रेलवे स्टेशन का यार्ड है और उस यार्ड में एक जो ट्रेन की बोगी है, उस बोगी में जो है तीन हिस्सों में युवती का जो है शव, मतलब तीन टुकड़ों में मिला है। इस पूरे मामले में पुलिस ने जो है, जो जीआरपी पुलिस है, जो रेलवे की पुलिस है, उसके द्वारा पूरे मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है। सबसे पहले तो जो है डेड बॉडी को, जो शव है, उसको जो है इंदौर के एमवाई अस्पताल के मर्चुरी रूम पहुंचाया गया है, जिससे कि जो है साथ ही साथ जो है अभी ये फिलहाल पता चलता है कि लगभग 18 से 19 साल की उम्र बताई जा रही है, जो शव है वो एक युवती का शव बताया जा रहा है। साथ ही साथ जो है अन्य सीसीटीवी भी खंगाले जा रहे हैं, चूंकि 2 से 3 दिन पुराना शव प्रतीत होता है प्रथम देखने से, तो 2 से 3 दिन पुराने जो है सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं, जिससे कि पता लगाया जा सके कि आखिर कौन वो शख्स है या कौन वो है जो इस शव को लाकर जो है ट्रेन में रखे गया, या फिर कहीं और किसी और शहर से, अगर जो है ट्रेन जिस तरह से आती है तो कहीं और किसी शहर में तो जो है बैग में रखकर जो है इस शव को ट्रेन में नहीं छोड़ा गया। सभी पहलुओं पर जो है जीआरपी की पुलिस जांच कर रही है, मार्ग कायम कर लिया गया है पूरे घटनाक्रम में और अब पता लगाने की कोशिश की जा रही है। सभी शुरुआती तौर पर देखा जाए तो पुलिस कौन कौन से एंगल पर जांच कर रही है? जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो जो है यही है कि आखिर जो ये ट्रेन की बोगी है, इस ट्रेन की बोगी में शव कैसे पहुंचा, उसकी यही वजह है कि तमाम जो है सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं और आसपास के जो रेलवे स्टेशन है, चाहे वो महू की बात करें, देवास की बात करें या उज्जैन की बात करें, जो रतलाम मंडल के अंतर्गत जो पूरे के पूरे जितने भी स्टेशन आते हैं, उन स्टेशन को भी जो है जीआरपी की जो एसपी है, पुलिस अधीक्षक, उनके द्वारा जो है सूचनाएं दे दी गई है और पूरा की पूरा जो आला अधिकारी है उनके द्वारा जो है तमाम पहली प्रथम जांच है वो सीसीटीवी से ही हो रही है, क्योंकि सीसीटीवी में अगर जब कोई शख्स इस तरह का बैग लेते हुए आता जाता दिखेगा या जो जिस तरह की बोरी है जिसमें ये रखा हुआ है, उससे ही जो है पहली प्रथम दृष्टया जो है मामला सुलझता हुआ नजर आएगा। तो पहला जो है सीसीटीवी ही पुलिस के पास जो है पहला जो है हम ये कहें कि जांच का मुख्य आधार है और उसी पर जो है काम किया जा रहा है। साथ ही साथ उम्र का, जिसे मैंने कहा कि उसकी उम्र जो है देखने से जो पता चला है कि 18 से 19 साल बताई जा रही है, साथ ही और फोरेंसिक टीम भी पूरे ही जो है रेलवे के कोच की जांच कर रही है। तो चलिए, फोरेंसिक की टीम भी मौके पर पहुंची, आरपीएफ की टीम मौके पर पहुंची और इस पूरे मामले की जांच पड़ताल अब शुरू कर दी गई है। नजरें आप बनाए रखिएगा इस बड़ी खबर पर, आगे भी अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया समीर आपका जानकारी के लिए।